कि जो वह एक प्लेयर पर आपत्ति जताई गई थी, मैच शुरू होने से पहले ही वह जो शतक मारा था प्लेयर अभयपुर 1500 गोदन भैया, तो जो प्लेयर पर आपत्ति जताई गई थी, जो प्लेयर शतक मारा था उस प्लेयर पे आपत्ति जताई गई, वह प्लेयर उस ग्राम सभा से बाहर ही पाया गया और उस टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर किया गया, उनके शतक को भी निरस्त किया गया और अब भेड़ी को मौका दिया जाएगा क्योंकि भेड़ी की टीम वह टीम थी जो लीग मुकाबले में उस टीम से खेली थी और अभयपुर की टीम को, माफ कीजिएगा, फतेहपुर की टीम को उनकी एंट्री भी वापस कर दी गई है और उनकी टीम को भी इस टूर्नामेंट से वापस कर दिया गया है। अब वह खुशी खुशी अपने घर जा सकते हैं और निश्चित ही यदि आप खेल भावना के रूप में खेल खेलना चाहेंगे तो जरूर अगले दौर में या कहीं भी मैच हो आधार कार्ड पर देता तो इस तरह का आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे क्योंकि यह एक गांव का क्रिकेट है, एक गांव के खिलाड़ी खेलते हैं इसमें, तो आप यदि बाहरी लेके आएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भेड़ी की टीम कल आएगी इस ग्राउंड पर, जो टीम हार कर इस ग्राउंड से बाहर हुई थी फतेहपुर से, अब उस टीम को मौका दिया जाएगा उस जगह प्री क्वार्टर मुकाबला खेलने के लिए। और नकेल की भी टीम इस बात को ध्यान देगी, आपके बारे में भी बहुत शिकायत आई है तो आप भी अपने पूरे आधार कार्ड के साथ अगले मैच में आएंगे, अपने पूरे आधार कार्ड के साथ पूरी टीम आएंगी क्योंकि प्री क्वार्टर का दौर चलता हुआ कम से कम दो रखा रहेगा।